आइए दोस्तों यूनियन लगाने का एक और तरीका देख लेते हैं। हमारे पास क्वेरी है सेलेक्ट इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमने कस्टमर रखा है जो कि हमारी टेबल का नाम है, इसको अलियास दे दिया एज ए टाइप, फिर कॉन्टेक्ट नेम सिटी कंट्री फ्रॉम कहाँ से कस्टमर टेबल से, फिर हमने यूनियन लगाया, फिर सेलेक्ट सप्लायर जो कि इनवर्टेड कॉमा में रखा है हमने, और फिर कंट्री कॉन्टेक्ट नेम फिर सिटी फिर कंट्री फ्रॉम कहाँ से सप्लायर टेबल से। अब इसको रन करेंगे दोस्तों तो देखिए हमें क्या मिलता है। दोस्तों देखिए हमारे पास हमारा डेटा आ गया है दोस्तों, जहाँ पे टाइप में हमने इसको कंट्री को एज ए टाइप दिया था, एलियास दिया था, वो आ गया। बाकी हमारे तीनों कॉलम आ गए हैं कॉन्टेक्ट नेम सिटी कंट्री। ठीक है दोस्तों, इस तरह भी हम अपने यूनियन लगा सकते हैं। ओके थैंक यू दोस्तों।